गुड मॉर्निंग। तो आज मैं अपने होम की छोटी मोटी होम टूर दूंगी, तो आप देख सकते हो। हम जो फ्लैट में रहते हैं वहाँ का ये मलदिन है, कृष्णा मलदिन, जो बहुत सारा क्यूट है। और आप देख सकते हो यहाँ राधा कृष्ण है, और यहाँ पर सेंटर को सजाया गया है क्रिसमस के लिए। यहाँ क्रिसमस सजाया गया है, आप देख सकते हो बहुत क्यूट तरीके से सजा के रखा गया है। क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस होते हैं हमारे रूम के लिए। आप देखते तो मैं एंटर होंगी अपने रूम के लिए, और आप देख सकते हो ये हमारे डाइनिंग, जो हम बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के हमेशा खाना खाते हैं, आप सबके साथ से खाते हैं। और ये हमारा छोटा सा बाल गोपाल का मलदिन, ये हमारी छोटी मोटी बाल गोपाल, और ये सब देख सकते हो। उसके बाद हमारे ये कुछ कुछ प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा फोटो शादी का, जो हमें हमेशा याद रहेगा। ये हमारी फैमिली पिक, मैंने कुछ डेकोरेशन किया हुआ है। अभी तक रुकते हुए किचन, ये मेरा किचन, प्यारा सा छोटू सा किचन है, आप देख सकते हो ये मेरा किचन है। और मैं ये मेरा बेडरूम, आप देख सकते हो ये है मेरा बेडरूम। हमारा क्यूट सा ड्रेसिंग, जहाँ मैं हमेशा रेडी होती हूँ, देख सकते हो। तो ये मेरा छोटा सा होम ब्लॉग था, जिसमें मैंने अपना होम ब्लॉग शेयर किया है आप लोगों के साथ। मेरा हाउस छोटा सा, जो मैं यहाँ पर, मेरे पति यहाँ जॉब करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं। और हम, मेरा ससुराल तो मालग्रेटा है, बस अभी हम यहाँ पर ही है। कभी वहाँ कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आज मैं मछली बनाने वाली हूँ, तो मैं अभी दोपहर का समय हो भी गया है, तो मैं अपने मछली बनाने का रेडी करूँ, और थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। हो रही है, आप देख सकते हो रेडी कर दिया है। यहाँ मेरी मछली फ्राई हो रही है, मछली फ्राई हो रही है अच्छे तरीके से। मेरी ऑलरेडी सब काम हो चुकी है, और मछली फ्राई हो रही है। और फ्राई होने के बाद मैं इसका मसाला डालूंगी, और अच्छे तरीके से जाएगा अपनी मछली फ्राई करना। जब इसका तेल छोड़ चुक रहा है, फिर मेरी मछली बनकर तैयार हो गई। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे कुछ नए, और कुछ नए ब्लॉग के साथ। तो फिर आज के लिए बाय।